दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुजराती चेस जोन में। हमारी सीरीज चल रही है नेसदॉफ वेरिएशन के ऊपर। अब तक मैंने आपको बिशप E3 के बारे में, वाइट खेल रहा है जब सिक्स मूव बिशप E3, उसके बारे में आपको वेरिएशंस बताए। आज से हम एक अहम हिस्सा देखने जाने वाले हैं, सिक्स मूव में वाइट बिशप G5 करता है तो गेम कैसे आपको खेलना है ब्लैक से, जब व्हाइट की जो सिक्स मूव है उसके ऊपर ही नेसदॉफ के गेम्स चेंजिंग्स होते हुए। इसीलिए सिक्स मूव के बाद के मूव आपको तैयार करने बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्स मूव मतलब व्हाइट की ओर से E4, C5, Nf3, D6, D4, Cd4, Nxd4, Nf6, Nc3, A6 5 मूव हो गए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने अब तक ये देखा था कि वाइट खेल रहा है Bxe3। Bxe3 के सामने आपको रिप्लाई देना था E5। अब यहाँ पे वाइट Bxg5 करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो Bg5 करके खेलते हैं। अब यहाँ आपको E5 नहीं करना है, ध्यान रखिए। यहाँ पहले लोग E6 ज्यादा करते थे, लेकिन मैं सजेशन करूंगा यहाँ पे Nb d7 इज अ बेस्ट ऑप्शन। आफ्टर Nb d7 वाइट यहाँ से तीन तरीके से गेम खेल सकता है। तो तीनों वेरिएशन में आपको बताऊंगा, इतनी पोजीशन के बाद आपको तीनों वेरिएशन एकदम क्लियर करवा दूंगा। अब तीन जो वेरिएशन है उसमें पहला वेरिएशन है Qe2 खेलते हैं वाइट, दूसरा जो वेरिएशन है Qe2 देन F4, और तीसरा जो वेरिएशन है डायरेक्टली F4 अटैक। अब तीनों अटैक के सामने कैसे खेलना है वन बाय वन हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पहला वेरिएशन Qe2 पे फोकस करेंगे। अलग अलग वेरिएशन है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको जैसे कि लाइन वन में डायरेक्टली Qe2, लाइन टू में हम देखेंगे Qe2 के बाद F4, और लाइन थ्री में डायरेक्टली F4। तो लाइन फोर में क्या होगा, लाइन फोर में होगा F4 वाली लाइन में टेंथ मूव में G4, लाइन फाइव में F4 वाली लाइन में टेंथ मूव में बिशप D3, लाइन सिक्स में F4 वाली लाइन विथ Qe5। तो ये सारे और एक Bc4 भी लाइन है दोस्तों। तो यहां से हम पूरी नेसदॉफ की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मतलब एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, एक भी मूव मिस नहीं होना चाहिए। और ये सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा के रखिए दोस्तों, क्योंकि हर दो दिन में मेरा एक नया वीडियो अपलोड हो जाता है जिससे नेसदॉफ के सारे वेरिएशन वन बाय वन आपके पास जल्दी से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लाइन वन है आफ्टर बिशप Nb d7, वाइट यहां खेलता है Qe2। Qe2 के सामने आपको रिप्लाई देना है h6। दोस्तों यहाँ पे ब्लैक से एक मूव ऑर्डर में कई लोग g6 करते हैं, लेकिन मैं आपको g6 की परमिशन पहले नहीं दूंगा, पहले h6 जरूरी है, ये ध्यान रखिए। क्यों g6 पहले नहीं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे g6 किया तो वाइट खेलेगा लॉन्ग केसल, उसके बाद अगर ब्लैक e5 करता है तो फॉलो बाय Nd5, और नेक्स्ट मूव में अगर पॉन टेक्स नाइट मारता है तो Qc4 और Nc7, और बहुत ही आपकी गेम डेंजर में आ जाएगी। ये पोजीशन के बाद वाइट का पूरा अपर हैंड रहता है। तो यहाँ पे आपको ये एक मूव ऑर्डर खास ध्यान रखना है, पहले h6 उसके बाद में g6 की परमिशन है। देखते हैं फिर से वही पोजीशन ला देते हैं, e4 c5 Nf3 D6 D4
सी टेक्स डी फोर, नाइट टेक्स डी फोर, एन एफ सिक्स, नाइट सी थ्री, ए सिक्स, देन बिशप जी फाइव, नाइट बी डी सेवन, या फिर क्वीन ई टू। और पहले मैंने आपको बताया पहले एच सिक्स खेलिए, इतना फर्क हो जाता है एक मूव इधर उधर होने में पूरी गेम। अब यहां पे व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप एच फोर, इन दिस पोजिशन बिशप एच फोर, उसके बाद जी सिक्स की परमिशन है आपको। बिशप जी सेवन हमें खेलना है, ई फाइव भी खेल सकते हैं, क्योंकि अब नाइट डी फाइव के बाद आप जी फाइव करके अब नाइट को अनपिन कर सकते हैं। तो जी सिक्स के बाद स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, व्हाइट यहां पे लॉन्ग कैसल करेगा, नाइन्थ मूव में लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल के बाद आपको खेलना है ई फाइव। अब नाइट के जो ऑप्शन है, नाइट एफ फाइव नहीं है, नाइट बी फाइव नहीं है, नाइट सी सिक्स नहीं है, नाइट बी थ्री और नाइट एफ थ्री, ये दो ऑप्शन है। तो ई फाइव के बाद ज्यादातर लोग नाइट बी थ्री खेलते हैं। यहां आपको खेलना है बिशप ई सेवन। व्हाइट खेलेगा किंग बी वन, क्योंकि सी फाइल ओपन है, कभी भी सी फाइल में अटैक आ सकता है। तो इलेवंथ मूव के बाद आपको खेलना है बी फाइव, व्हाइट को ए थ्री खेलना जरूरी है। दोस्तों ए थ्री के बाद यहां आपको खेलना है क्वीन सी सेवन, व्हाइट खेलेगा एफ थ्री, और यहां पे इस पोजीशन के बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक को इस पोजीशन से आगे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ज्यादातर लोग बताएंगे बिशप बी सेवन, नहीं, यहां पे किंग एफ एट करके पहले खेलना है आपको। ये मूव हो गई है मूव नंबर 13, तो 13 मूव में किंग एफ एट आएगा जरूर। अब देखते हैं दूसरा वेरिएशन, ये वेरिएशन पूरा रिपीट कर दीजिए। कोई भी ओपनिंग तैयार करने के लिए आप अपने बोर्ड के ऊपर पीसेस सेट करके वन बाय वन अपने हिसाब से ब्लैक साइड ले लीजिए और मेरे बताए हुए मूव आप याद करके चलिए, और पक्के हो जाने के बाद आपकी लाइन हो जाएगी क्लियर और उसी लाइन पे बहुत सारी गेम्स खेल लीजिए ताकि आपकी ओपनिंग एकदम स्ट्रांग हो जाए। मुझे कई लोगों के क्वेश्चन है दोस्तों कि हम लोग ओपनिंग कितनी भी तैयार करते लेकिन याद क्यों नहीं रहती, ये बहुत ही खास प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को कितनी भी बार हम जैसे आस्क उससे पूछेंगे कि इसके बाद सेवंथ मूव में क्या खेलना है, उसे याद क्यों नहीं रहती, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। एक बार 10 से 12 कंटिन्यूस 12 बार चलाने के बाद भी लोग भूल जाते हैं। इसका रीजन है दोस्तों कि आपने उससे ट्राई नहीं किया। कोई भी ओपनिंग एकदम पावरफुल करने के लिए उसी ओपनिंग से गेम खेलना जरूरी है। उसी लाइन से गेम खेलोगे तभी आपकी लाइन एकदम स्ट्रांग होगी और लाइफ टाइम आप भूलोगे नहीं। गेम खेल के तैयारी करने से खास फायदा यह होता है कि ओपनिंग हमारे दिमाग में छप जाती है। तो खास इसी तरह आपको ओपनिंग तैयार करनी है। चलिए देखते हैं दूसरा वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन में थोड़ा सा चेंजिंग है, हम देख रहे हैं क्वीन ई टू वाली ही लाइन, ई फोर, सी फाइव, नाइट एफ थ्री, डी सिक्स, डी फोर, सी डी फोर, नाइट डी फोर, नाइट एफ सिक्स, एन सी थ्री, ए सिक्स, बिशप जी फाइव, एन बी डी सेवन, क्वीन ई टू, एच सिक्स, यहाँ पे बिशप एच फोर। दोस्तों सेम लाइन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे दूसरी लाइन में जी सिक्स तो हमने किया और व्हाइट ने इससे पहले क्या रिप्लाई दिया था, लॉन्ग कैसल। पर इस गेम में व्हाइट एफ फोर अर्ली अटैक करता है। अब एफ फोर के बाद आपको क्या करना है, तुरंत व्हाइट ट्राई करता है आपके किंग साइड को ब्रेक करने का, तो यहाँ आपको अर्ली ई फाइव करना पड़ेगा। डी जो ई फोर पॉन है उसे तुरंत स्टॉप कर दीजिए। ई फाइव के बाद व्हाइट खेलेगा एफ क्रॉस ई फाइव, डी क्रॉस ई फाइव, उसके बाद इलेवंथ मूव में व्हाइट लॉन्ग कैसल करेगा। यहां पे क्वीन सी सेवन, अनपिन कर दो नाइट को जल्दी से,
और किंग साइड है टेक, नाइट बी थ्री, दोस्तों क्वीन सी सेवन से पहले आप सोच रहे होंगे कि ई इंटू डी फाइव क्यों पॉसिबल नहीं है, ई इंटू डी फोर लॉसेस आफ्टर ई फाइव, तो यहाँ पे नाइट बी थ्री क्वीन सी सेवन के बाद आपको नाइट मानने की आप थ्रेट दे सकते हो, तो लेकिन वाइट खेल देगा नाइट बी थ्री, ये मूव बाय मूव है, ट्वेल्थ मूव हो गए इस ओपनिंग के, उसके बाद आप एज यूजल बी फाइव और कंटिन्यू अपनी गेम कर सकते हो। तो ये थी दूसरी लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए आपको वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है, क्योंकि जल्द ही इसके बाद में नेक्स्ट डोज में आगे भी आपको बहुत कुछ बताने वाला, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिसने भी नहीं किया है, और आगे के वीडियो जिसने नहीं देखा है वो पहले से देख लीजिए, ताकि आपके पास पूरा नेक्स्ट डोज का मतलब पूरा चैप्टर आपके पास आ जाए, पूरी बुक आपके पास आ जाए रेडी करवाने के लिए। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।